सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र में बनने वाली नई सरकार में बिहार से संभावित नामों की लिस्ट सामने आई है। आपको बताते चलें कि सवर्ण से संजय झा या ललन सिंह का नाम हो सकता है और अति पिछड़ा वर्ग से पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, कुशवाहा जाति से वाल्मीकि नगर से सांसद सुनील कुमार का नाम इसमें हो सकता है। संभावित मंत्रालय में कृषि और रेलवे हो सकता है, तो चिराग पासवान को भी कैबिनेट में दर्जा मिल सकता है, इसकी भी संभावना है। दलित नेता जीतन मांझी को भी एडजस्ट किया जा सकता है। कुर्मी समाज से कौशलेंद्र कुमार को भी जगह मिल सकती है। संभावित मंत्रालय में कृषि और आपको बताते चलें कि रेलवे का भी संभावना है। और आपको बताते चलें कि नई सरकार में बिहार से संभावित नाम, आपको बता दें मंत्री बनने वालों की संभावित लिस्ट सामने आई है। और आपको ये बताते चलें चिराग पासवान को भी मौका मिल सकता है, इसकी भी संभावना जताई गई है। जीतन राम मांझी को भी जगह मिल सकती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कुर्मी समाज से कौशलेंद्र कुमार का नाम भी इसमें शामिल हो सकता है और दिलेश्वर कामत को जगह मिल सकती है। साथ ही साथ अगर बात करें सुपौल की, तो सुपौल से सांसद हैं दिलेश्वर कामत, जहां पर उनको भी इस जगह मिल सकती है। और आपको ये बता दें कि झारखंड से अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको ये बता दें कि जमशेदपुर लोकसभा सीट से अब जीते बीजेपी के विद्युत वरण महतो का नाम भी चर्चा में है। आज दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की बैठक होगी। आज सुबह 9:30 बजे ये मीटिंग होनी है। आपको बताते चलें कि नीतीश का जेडीयू सांसदों से दिल्ली में मंथन होना है। तो नई सरकार से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज कई अहम बैठकें होने जा रही है। आज दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की बैठक होने वाली है और इसके लिए समय रखा गया है 9:30 बजे के करीब, जब ये मीटिंग होगी। वहीं आपको बता दें कि नीतीश जेडीयू सांसदों से दिल्ली में मंथन करने वाले हैं और साथ ही साथ चर्चा की जा सकती है कि कैबिनेट में किन लोगों को जगह मिलने वाली है, क्योंकि जेडीयू इस बार सरकार गठन में अहम रोल निभा रही है। और आपको बताते चले इसी वजह से सांसदों के साथ में एक बार मंथन करने वाले हैं नीतीश कुमार, और ऐसे में दिल्ली में ही आज ये बैठक होगी जेडीयू संसदीय दलों की। और साथ ही बता दें कि जिसका समय रखा गया है सुबह के 9:30 बजे, तो आज कई बैठकें होने जा रही है, कई अहम बैठक, और सबकी निगाहें बैठकों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज के बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। इस पर स्थिति को पूरी तरह साफ करते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने जोर देकर कहा है कि उन लोगों की इच्छा बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की जरूर है, लेकिन जेडीयू की यह मांग या डिमांड नहीं है। हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो सरकार बने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा जरूर। मिलजुल करके सरकार चलाएंगे, राज्य और देश को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद दो लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये है TDP के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के CM नीतीश कुमार। सरकार गठन के पहले कयासों का बाजार भी गर्म है और बिहार को विशेष राज्य का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो सरकार बने वो बिहार को लेकर के ज्यादा विशेष ध्यान दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। जेडीयू की मांग कई मंत्रालयों की भी है, लेकिन इस तरह के दावे को जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। केसी त्यागी ने साफ साफ कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ये हमारी इच्छा है, लेकिन ना तो हमारी कोई डिमांड है और ना ही किसी तरह की बार्गेनिंग। ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले ये हमारी इच्छा जरूर है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने जरूर इस मुद्दे के जरिए सियासी माहौल गर्माने की कोशिश की है, लेकिन जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। नीरज कुमार ने लिखा है, माननीय नीतीश कुमार जी ने गतिमान विकास के साथ राष्ट्रीय विकास दर कायम रखा, विशेष दर्जा, विशेष पैकेज, विशेष सहायता, विशेष नजर, हमारी चिंता,
विपक्षी जेल में।